नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो वो कल के लिए मतलब 10 फरवरी 2020 के लिए मैंने बाइसल लेवल दिखाऊंगा, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, उसके बाद इनसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, NR4 NR7 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो कि मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये बाय सेल लेवल कम स्किनर में क्या क्या है, कैसे स्किनिंग करना, इसका परफॉर्मेंस क्या है, मोस्ट इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए जाता है, और इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा ये कैसे यूज़ करना है। चार्ट में दिखा के मैंने दिखा था वो कैसे कौन सा पोजीशन में मार्केट स्टॉक्स ओपन हुआ था, उसके बाद कैसे कौन सा लेवल पे एंट्री लेना था और कौन सा लेवल पे वो आप लोग को दिख जाएगा। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोग को इसको यूज़ करने से। और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने इधर बाइसल लेवल 1, 2 और 3 बनाता हूँ। तो ये आप लोग को बाइसल लेवल 1 पहले दिखाता हूँ। बाइसल 1 का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बनाता रहूँ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ, और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। और मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा पोजीशन में स्टॉक्स है वो आप लोग को कौन सा लेवल पे है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को टारगेट देखना है, स्टॉप लॉस पीछे वाला लेवल स्टॉप लॉस बनेगा ये आप लोग को देखना है। सोच लीजिए 650 के ऊपर ओपन हुआ तो 622 आप लोग को टारगेट रहेगा, लेकिन 622 के नज़दीक ओपन हुआ तो सोच लीजिए 680-90, 619-90 या 622-10 में ओपन हुआ तो ये कम टारगेट होगा। तो इसका बाद ये नेक्स्ट टारगेट के लिए क्रॉस करेगा तो आप लोग नेक्स्ट टारगेट होगा, नहीं तो नहीं एंट्री लेना है, नहीं लेना है, ऐसे करके आप लोग को देख लेना है। इसके बाद ये है बाइसल लेवल 2, ये है बाइसल लेवल 2, और बाइसल लेवल मतलब बाई लेवल एंड सेल लेवल। किसी आदमी को किसी किसी पीपल को समझ में आता नहीं है कि बाई लेवल एंड बाई सेल लेवल, तो इसीलिए बाई लेवल एंड सेल लेवल, ये बाई R1 एंड ये बाई सेल लेवल 3, ये R1 बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है। ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है, ये भी बहुत ही यूजफुल है। और ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, मिड बैंड और प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड और टीनॉन लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, ये सभी आप लोग को बहुत ही यूजफुल रहेगा, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, ये आप लोग ध्यान से देखिए, किसी भी लेवल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये लाइव मार्केट में आप लोग को मॉनिटर करना, बैंक निफ्टी को मॉनिटर करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये बाई लेवल सेल लेवल 1, इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 2 और इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 3, ये है बाई लेवल सेल लेवल 3 और इसका पिवट पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा और इसका प्राइस चैनल बोलिंजर बैंड और टीनल लेवल भी आप लोग को काम पे आएगा। और कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का बाई लेवल सेल लेवल 1, बाई लेवल सेल लेवल 2 और यह बाई लेवल सेल लेवल 3 पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। और इसके बाद और भी कुछ बाकी रह गया, इसके बाद फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा आप लोग को, इसके बाद फ्यूचर्स का कुछ लेवल दिखाऊंगा, ऐसे ही आप लोग को दिखा देता हूँ। बाई लेवल सेल लेवल 1 दिखा देता हूँ, आप लोग जस्ट ऑब्जर्व कर सकता है कैसे फ्यूचर्स का लेवल भी मैच होता है।
और इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवर स्ट्रेटजी दिखाऊंगा आज। मतलब फ्राइडे का कैंडल को कौन सा स्टॉक्स का फ्राइडे का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज कट किया है, उसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो आप लोग को एंट्री लेना अच्छा मूवमेंट देता है। तो ACC को देखा था हूँ, देखिए ACC को इधर चार्ट में आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए इसको फ्राइडे का जो कैंडल था ये 100 डे मूविंग एवरेज कट किया, इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। ACC को हुआ है, उसके बाद ISR मोटो में हुआ है और हिंदालको में हुआ है, हिंदालको में हुआ है, थोड़ा सा स्लाइट थोड़ा सा गैप है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर इंफ्राटेल में हुआ है, इंफ्राटेल को काट किया है आज, इसके बाद देखा दिया। और जो लोग स्टॉक में मतलब मेरा ग्रुप में फ्री टाइम के ज्वाइन होगा तो आप लोग को पूरा दिख जाएगा। अभी इसमें और भी चीज़ दिखाना है, देखिए इधर इनसाइड दबा NR4 NR7 दिखाऊंगा। ACC में NR4 और NR7 जो NR4 और NR7 जो करंट कैंडल है मतलब फ्राइडे का कैंडल है उसका ब्रेक होने का बाद एंट्री लेना है। और इनसाइड दबा वन डे का जो अगला दिन का फ्राइडे का अगला दिन का मतलब थर्सडे का कैंडल जो ब्रेक होगा तो भी एंट्री लेना है, अदानी एंड में दिखता है। और इधर देखिए टू डे का जो है वो फ्राइडे का जो थर्सडे और वेडनेसडे का जो कैंडल है वो ब्रेक होने के बाद एंट्री लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को सोच लीजिए। इधर अमर राज्य कैटेगरी को दिखाता हूँ, बैटरी में देखिए ये जो टू डे का कैंडल है ये जो कैंडल है ये इसका ये दो कैंडल इस कैंडल का अंदर रह गया मतलब इसका हाई लो ब्रेक नहीं हुआ। तो जब इसका हाई लो ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। और ये NR4 NR7 भी है मतलब इसका ये छोड़ के तीनों कैंडल जो है इसका हाई लो का जो डिफरेंस है तो ये इस कैंडल का डिफरेंस सबसे कम है। ये ब्रेक होने के बाद भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं क्योंकि इसमें NR4 NR7 भी हुआ है, NR4 NR7 भी आप लोग देख सकते हैं इधर हुआ है। इस दबार देखिए वन डे का हिसाब से अदानी एंड में हुआ है, अदानी एंड में हुआ है। देखिए वन डे का कैंडल जो है अगले दिन का थर्सडे का कैंडल जो है ये आई लो इनसाइड दबार है। आप लोग देख सकते हैं अपोलो टायर में हुआ है, बजाज फिनसर में हुआ है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हुआ है। मैं और भी कुछ दिखाता हूँ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। यह देखिए हायर आई हायर लोस, 3 दिन का हायर आई हायर लोस हुआ है, लगा 3 दिन का हायर मतलब 3 व्हाइट शोल्डर बोलता है इसको। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। इसका हाई लो ब्रेक होने के बाद देखिए इधर तीनों कैंडल इसका जो हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इसमें बजाज फिनांस में भी हुआ है और क्या इधर देखिए लोअर लोस होता है ये 3 ब्लैक क्रॉस बोलता है, इसमें कमिंग्स को में हुआ है मतलब लगातार 3 दिन से नीचे थ्री कैंडल बना है। देखिए 3 कैंडल लोअर लोस बना है तो इसमें भी आप लोग एंट्री ले सकता है, ये भी अच्छा मूवमेंट देता है। डीएलएफ में हुआ है इसमें देखिए डीएलएफ में हुआ है और इसमें देखा अच्छा ये 2G डाउन ट्रेंड हुआ है। आइडिया छोटा मोटा कैंडल है मतलब स्टॉक्स का दिखाना तो नहीं हो अच्छा। इसके इधर देखिए इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर मुझे दिख रहा है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज में। तो ठीक है आप लोग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्रॉब्लम है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज में इन्वर्टेड हैमर बना है। इसके बाद पीवीआर में भी इन्वर्टेड है,
और इधर एक मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉट, इसमें